जैसे आप जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए 7 तत्व आवश्यक है, पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर। मैं आपको फैट के बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूँ। फैट भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, परंतु एक सीमा में। हमें खाने में फैट बहुत से खाद्यान्न, शाकाहार, मांसाहार और तेल तथा घी से मिलता है, और मैं आपको खाद्यान्न तेल से मिलने वाले फैट के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। हम सब खाना बनाने के लिए तेल का उपयोग करते हैं, और हम सब यही समझते हैं कि तेल केवल सब्जी भाजी बनाने के लिए, चपाती व पराठे को लगाने के लिए तथा फ्राई करने के लिए लगता है। इसके अलावा और जानकारी नहीं है। आज हमारे जीवन में अगर कोई चीज विशेष ध्यान रखने योग्य है तो वह हमारा खाना। भोजन की गुणवत्ता का सीधा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तेल में अलग अलग तरह के फैटी एसिड होते हैं, साथ ही अलग अलग तरह के औषधि गुण भी होते हैं। तेल में 3 तरह के फैटी एसिड होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड और मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तेलों में सैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा अधिक होती है, वो तेल सामान्य तापमान पर जमने वाले होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, साथ ही इसकी उच्च ऑक्सीडेशन स्थिरता होती है, इसलिए हमारे तेल में होना चाहिए परंतु एक सीमा तक। जैसे देसी घी, पाम ऑयल, नारियल तेल तथा वनस्पति घी, जिन तेलों में अधिक मात्रा में होते हुए तेल सामान्य तापमान पर तरल होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, साथ ही इसकी ऑक्सीडेशन स्थिरता कम होती है, इसलिए हमारे तेल में होना चाहिए परंतु एक सीमा तक। जैसे करड़ी तेल, सूरजमुखी तेल, सोयाबीन तेल और कॉर्न तेल, जिन तेलों में मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा अधिक होती है वह तेल सामान्य तापमान पर तरल होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, साथ ही इसकी उच्च ऑक्सीडेशन स्थिरता होती है, इसलिए हमारे तेल में यह भरपूर मात्रा में होना चाहिए। जैसे जैतून का तेल, कैनोला तेल, सरसों तेल और राइस ब्रांड तेल। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन NIN, प्रीमियर न्यूट्रिशन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR तथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिफारिश के अनुसार सफा 70 से 33%, पुफा 70 से 33% तथा मुफा 33 से 40% तक होना चाहिए। इसके साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कुदरती एंटीऑक्सीडेंट अर्थात औषधीय गुण अधिक से अधिक होने चाहिए, जैसे टोकोफेरॉल, टोकोट्रिनॉल और ओरिजिनल अधिक से अधिक होना चाहिए। तेलों के बनाते समय उनके रिफाइनिंग प्रक्रिया का उनके औषधीय गुणों पर असर पड़ता है। तेल रिफाइनिंग की 2 प्रक्रिया है, परंपरागत रासायनिक रिफाइनिंग प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में एसिड, क्षार, कास्टिक उपयोग करने के कारण तेल साफ होने के साथ साथ तेलों के औषधीय गुणों को भी खत्म कर देता है। दूसरी फिजिकली रिफाइनिंग प्रक्रिया, यह तेल को रिफाइनिंग करने का आधुनिक तरीका है। इस प्रक्रिया में किसी प्रकार का एसिड, कास्टिक का उपयोग नहीं किया जाता है। तेल प्राकृतिक तरीके से साफ होने के साथ साथ इस तेल में पाए जाने वाले औषधीय गुणों को खत्म होने से बचाया जाता है, इसलिए कोई भी तेल फिजिकली रिफाइंड है तो वह सबसे अच्छा तरीका है। आपकी जानकारी के लिए सभी खाद्यान्न तेलों के फैटी एसिड्स तथा प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट के तुलनात्मक अध्ययन का चार्ट दर्शा रहा हूं। चार्ट में दर्शाए गए आंकड़ों के अनुसार देसी घी से लेकर ऑलिव ऑयल तक के सभी तेलों में फैटी एसिड्स परसेंटेज तुलनात्मक रूप से किसी में बहुत कम है और किसी में बहुत अधिक है, किंतु ग्राउंडनट ऑयल और राइस ब्रांड ऑयल के फैटी एसिड्स परसेंटेज तुलनात्मक रूप से लगभग आसपास है। और रही बात एंटीऑक्सीडेंट की, तो सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट केवल राइस ब्रांड ऑयल में ही पाए जाते हैं। मैं आपको राइस ब्रांड ऑयल में पाए जाने वाले औषधीय गुणों के बारे में संक्षिप्त परिचय दे रहा हूँ। टोकोफेरॉल्स के गुण, उन्मुख निकाय व उपापचय को बढ़ाने में मदद करता है, इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है, कैंसर व कार्डियोस्कुलर रोगों में कम करने में मदद करता है, मोतियाबिंद में मदद करता है, बढ़ती उम्र के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। टोकोट्रिनॉल के गुण, स्वस्थ कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। दूसरा, धमनियों की आंतरिक दीवार में होने वाले जमाव को प्रभावित करता है। तीसरा, धमनियों की अनुकूलता को सुधारने में मदद करता है। चौथा, प्लेटलेट्स के एकत्रीकरण को प्रभावित करता है। पांचवा, कैंसर और ट्यूमर्स रोगों में लाभदायक है। छठा, नाड़ी तंत्र की सुरक्षा में मदद करता है। सातवा, शक्तिशाली प्राकृतिक सुपर एंटीऑक्सीडेंट है। और आठवा है, आयुर्वेदक व क्रांतिवर्धक एवं व्यक्तित्व तो निखार करता है। ओरिजिनल के गुण, राइस ब्रान ऑयल हृदय के लिए उत्तम है क्योंकि बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने व अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है और उच्च रक्तचाप को नियंत्रित रखने में मदद करता है। लॉवेल यूनिवर्सिटी में किए गए अध्ययन के अनुसार राइस ब्रान ऑयल ऑयल में कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता ऑलिव ऑयल के मुकाबले ज्यादा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन व इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में किए गए अध्ययन के अनुसार राइस ब्रान ऑयल में बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता मूंगफली तेल के मुकाबले काफी ज्यादा है। वैज्ञानिकों ने इसकी वजह राइस ब्रान ऑयल में पाए जाने वाले ओरिजिनल को बताया है। राइस ब्रान ऑयल इंसुलिन की कार्य क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, अतः ओरिजिनल डायबिटीज वालों के लिए उत्तम है। ताइवान व निर्मा यूनिवर्सिटी में किए गए अध्ययन के अनुसार राइस ब्रान ऑयल में पाए जाने वाले ओरिजिनल ब्लड शुगर मैनेजमेंट में मददगार होता है। नागासाकी व टोक्यो में किए गए अध्ययन के अनुसार राइस ब्रान ऑयल में पाए जाने वाले ओरिजिनल लीवर की रक्षा में मदद करता है। राइस ब्रान ऑयल गैस व एसिडिटी आदि पेट की बीमारी को दूर करने में मदद करता है। जापान में किए गए 8 व 10 दिन के अध्ययन, अलग अलग उपचार व अन्य अध्ययनों में पाया गया है कि राइस ब्रान ऑयल में पाए जाने वाले ओरिजिनल पेट से संबंधित रोग जैसे एसिडिटी, गैस, अल्सर आदि में मददगार होता है। राइस ब्रान ऑयल मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एवं टेक्नोलॉजी टोक्यो के द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार राइस ब्रान ऑयल में पाए जाने वाले ओरिजिनल आंतों से संबंधित रोगों में मददगार होता है।
महिलाओं में रजोनरेटिव अवस्था में किए गए अध्ययन के अनुसार राइस ब्रांड ऑयल में पाए जाने वाला ओरिजिनल 67 से 85% महिलाओं में रजोनरेटिव की मुश्किलों को आसान बनाने में मदद करता है, रोकने में मदद करता है, झुर्रिया व अन्य त्वचा संबंधी रोगों में रोकथाम में मदद करता है, बढ़ती उम्र के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। चेंग माई यूनिवर्सिटी थाईलैंड में किए गए अध्ययन के अनुसार राइस ब्रान ऑयल में पाए जाने वाले ओरिजिनल त्वचा की चमक और नमी को बढ़ाने में बढ़ती उम्र के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। चूहों पर किए गए अध्ययन के अनुसार राइस ब्रान ऑयल में पाए जाने वाले ओरिजिनल हड्डियों के घनत्व में कमी को रोकता है। जापान में किए गए अध्ययन के अनुसार राइस ब्रान ऑयल में पाए जाने वाले ओरिजिनल हाइपोथायराइड के रोगियों के लिए मददगार होता है। नाड़ी तंत्र की रक्षा में मदद करता है। केंटुकी यूनिवर्सिटी यूएसए और केटानिया यूनिवर्सिटी इटली में किए गए अध्ययन के अनुसार राइस ब्रान ऑयल में पाए जाने वाला ओरिजिनल तनाव से संबंधित रोग जैसे अल्जाइमर में मददगार होता है। जैसे कि आपने जाना कि राइस ब्रान ऑयल में पाए जाने वाले औषधीय गुण टोकोफेरोल, टोकोट्रिनोल तथा ओरिजिनल है। इनमें ओरिजिनल का हमारे शरीर के लिए अत्यधिक लाभ है, इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने खाने में राइस ब्रान ऑयल, जिसमें सबसे ज़्यादा ओरिजिनल की मात्रा है, का ही इस्तेमाल करें ताकि आपको स्वास्थ्य लाभ मिल सके। मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में कुछ ऑयल कंपनी के तुलनात्मक चार्ट को दर्शा रहा हूँ। आप उस चार्ट की मदद से ऑयल प्रोडक्ट की अच्छी कंपनी का चयन करें।